जिस व्यक्ति का ये सारा कारनामा था उस व्यक्ति ने इन सब चीजों से किनारा कर लिया। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी। बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़े बंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था, और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे, और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के एक घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहां से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। क्योंकि कुकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फोन आए कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। मैं तुरंत जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेनड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेनड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेनड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेनड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया तो अपने फोन में लिया, और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी, और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ही ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए, और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट जी। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि तीन विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही करवाई थी। आप सभी लोगों को आमंत्रित किया, रात को 2:30 बजे परेशान किया, आप सब लोग वहां आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आई। वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज़ में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या, अन्यथा मुझे ये तक पता नहीं था कि इसमें क्या है, ऑडियो क्लिप्स किस चीज़ से संबंधित हैं। मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। यह आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने वही काम में लिया जो मैंने भेजा था, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हैंडसेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना जिससे आपने सारे मीडिया के साथियों को वो क्लिप्स भेजी थी। मैंने कहा वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझसे मेरा वो हैंडसेट डिस्ट्रॉय करवाया। लैपटॉप इसलिए बच गया क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं हो रहा था। मुझे ये कहा कि इसे किसी अन्य राज्य में भेज दो, आपने उस क्लिप में सुना अभी, या इसे मेरे पास भिजवा दो, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा। साहब लैपटॉप की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, लैपटॉप काफ़ी है हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब इससे बड़ा सबूत किसे चाहिए। तीन ऑडियो क्लिप्स थी, उनमें जो वार्तालाप थी वो स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता किसकी थी किसकी नहीं थी। मुझे ये पेपर दिया गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि गजेंद्र सिंह शेखावत बात कर रहे हैं बाकी के लोगों के साथ। ये पेपर, ये पेन ड्राइव और ये जो अभी आपने ऑडियो क्लिप सुनी, इससे पूरी तरह से आपको ये पता लग गया होगा कि ये पूरी की पूरी जो कहानी थी वो कहाँ से शुरू हुई, किसने की, और किसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए मुझे काम में लिया। मैं अपने जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु जिनको मैं मानता था, बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। साफ दिल के इसलिए कि मुझे हर बार कहा करते थे कि तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर। मुझे आज ये पता लग गया कि मैं कैसे काम में आ गया।